साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने नाके के दौरान जैन कार सवार को चोरी की गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी से तीन कार, 8 दो पहिया वाहन और सोने की चैन बरामद हुई है। एसपी रवि कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी की पहचान कुलदीप सिंह दाना के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से अम्बाला का रहने वाला है, जिस पर मोहाली, जीरकपुर, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, फतेहगढ़, रोपड़, करनाल और चंडीगढ़ में 175 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी पर सबसे पहले 2004 में स्टीरियो चोरी का मामला दर्ज किया गया था। आरोपी कुलदीप पार्किंग और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से चोरी कर सामान को सस्ते दामों में बेच देता था। पुलिस इन सब चोरियों में उसका साथ देने वाले अन्य साथियों की तलाश कर रही है, जिसके लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। ब्रेक थ्रू में हमारे नए डीएसपी के अंडर और इंस्पेक्टर मंजोत के अंडर में एक चोर को पकड़ा है, जिस पे हमारे टोटल 12 केसेस खुले हैं और इसमें जो है हमारे 8 इसके टू व्हीलर और 3 कार इसे बरामद हुई हैं और एक चेन जो गोल्ड चेन इसने बताई वो मिली है। इसका नाम कुलदीप है और अब तक ये 175 केसेस में एक्यूज रह चुका है। चंडीगढ़ के भी इसने जो है पीछे हम लोगों ने 2012 में करीब इसको अरेस्ट किया था, तब भी हमारे जो हैं 25 केसेस खुले थे और अभी इस बार 12 केसेस हैं। तो पहले भी ये काफ़ी इस तरह की कारजैकिंग की वारदातें कर चुका है, कार में से सामान पड़ा है निकाल लेगा। तो हमें 25 तारीख को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये चंडीगढ़ में जेन से एंटर करेगा केम वाला साइड से, तो नाका लगा और उसको वहाँ से पकड़ा गया। तो जो जेन थी ये भी चोरी की जेन थी, पीछे 22 तारीख को चोरी हुई थी पंजाब जो हेडक्वार्टर है पुलिस हेडक्वार्टर उसके पीछे से। तो इसने बाकी चीज़ों में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई है। इन गाड़ियों को ले जाके आगे बेच देता था 5,000 में, 10,000 में गाड़ी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। तो क्विक बग बनाने के लिए अपना जो है अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिल पार्क कर दी, कभी किसी को ज़रूरत होती थी, किसी को बेचनी होती तो वहाँ से बेचने की कोशिश करता था। कहाँ बेचता था? आगे जो हो गए इसके रोपड़ में 2-3 दोस्त हैं जिसके नाम ले रहे हैं, तो उनको आगे बेचने का इसका प्लान था जैसे ज़रूरत होती थी। तो ये है इसका और काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी एक्टिव है काफ़ी टाइम से। 2004 में पहली बार गाड़ी में से स्टीरियो निकालने के FIR में इसको अरेस्ट किया गया था। अभी तक तो अकेला है पर कई चीज़ों में जैसे मोटरसाइकिल है, स्नैचिंग भी है इसके पास है। तो क्विक बग बनाने के लिए इसके कई सारे एसोसिएट भी हैं पीछे रोपड़ से, बता रहा है कि उनके साथ में करता था ये। तो किसी भी तरह का कोई काम करने में परहेज तो अभी तक इसने नहीं बताया।